गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 8 मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए वेरियस स्टेप्स लेती है, जिसके लिए वो डिफरेंट पॉलिसीज भी बनाती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी हो गई, फिस्कल पॉलिसी हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, बहुत सारी पॉलिसीज हैं। उन सब पॉलिसीज़ में से जो मॉनेटरी पॉलिसी है इस चैप्टर में हम उसे डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी इंटीग्रल पार्ट है जनरल इकोनॉमिक पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती है उसका। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी ये जो वर्ड है वो रिलेट करता है मनी से। मॉनेटरी पॉलिसी में जो चीज़ इन्फ्लुएंस होती है वो होती है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी की जब हम बात कर रहे हैं तो मनी कैश फॉर्म में भी या डिपॉजिट फॉर्म में भी, प्लस जो उस मनी से क्रेडिट क्रिएट हो रहा है हम उसको भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इन्फ्लुएंस करती है सप्लाई ऑफ मनी को, क्रेडिट पॉलिसी को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को। क्रेडिट पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्रेडिट क्रिएशन की भी बात इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये रेगुलेट करती है बैंकिंग सिस्टम को कि किस तरीके से जो बैंकिंग सिस्टम है वो मीट करेगा क्रेडिट नीड्स इकोनॉमी की। क्रेडिट नीड्स का मतलब कि इकोनॉमी में जिस सेक्टर को जितना पैसा चाहिए लोन की फॉर्म में, क्रेडिट की फॉर्म में, वो उसे टाइमली मिले ताकि उसका जो प्रोसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का उसमें जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। मीनिंग की बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी जो फॉर्मुलेट और एग्जीक्यूट करता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हैं उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको अचीव करने के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है। जो मेजर दो ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट इज़ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और दूसरा है ग्रोथ जो है उसको बढ़ाना। वो ग्रोथ को बढ़ाना जो उसका ऑब्जेक्टिव है, ग्रोथ को बढ़ाने का मतलब है कि टाइमली हर एक सेक्टर को क्रेडिट प्रोवाइड हो ताकि वो प्रोग्रेस कर सके। इन्फ्लेशन का मतलब है कि आपकी जो महंगाई है, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए कि जो वैल्यू है मनी की वही डिक्रीज हो जाए। तो इन्फ्लेशन में उस चीज़ को वो कंट्रोल करती है। मनी का मतलब यहाँ पे क्या है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मनी का मतलब करेंसी से भी है और क्रेडिट क्रिएशन से भी है जो बैंक्स क्रिएट करते हैं। क्रेडिट जो है वो पार्ट बनता है मनी सप्लाई का। जो आरबीआई है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रेगुलेट करती है क्रेडिट को, मतलब मनी सप्लाई को इकोनॉमी में। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है वो पॉलिसी जिसके थ्रू जो सेंट्रल बैंक है कंट्री का वो कंट्रोल करता है सप्लाई ऑफ मनी को और कॉस्ट ऑफ मनी को। कॉस्ट ऑफ मनी मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो इन द वर्ड्स ऑफ डीसी रोवन, मॉनेटरी पॉलिसी इज डिफाइंड एज डिस्क्रिशनरी एक्ट अंडरटेकन बाय द अथॉरिटीज डिजाइंड to influence the supply of money, cost of money or rate of interest and the availability of money for achieving specific objectives. तो जो monetary policy है वो concern करती है उन measures से जो regulate करने के लिए volume of credit जो banks ने create किया है उसको, regulate करने के लिए expansion of money supply को और money circulation को country में लिए जाते हैं, उन मेजर से रिलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो क्या मेन एलिमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया के? ये रेगुलेट करता है स्टॉक ऑफ मनी को और ग्रोथ रेट ऑफ मनी सप्लाई को।
रेगुलेट करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम को इकोनॉमी के, रेगुलेट करता है लेवल एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और इनडायरेक्टली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ये रेगुलेट करता है क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स, डिटरमाइन करता है एलोकेशन ऑफ लोन्स अमंग डिफरेंट सेक्टर्स, प्रोवाइड करवाता है इंसेंटिव्स प्रमोट करने के लिए सेविंग्स को और रेज करने के लिए सेविंग इनकम रेशियो को, इंश्योर करता है एडिक्वेट अवेलेबिलिटी क्रेडिट की ग्रोथ के लिए और ट्राई करता है प्राइस स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। तो मेजर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी जो इंडिया में है वो क्या है, प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब कंट्रोल करना इन्फ्लेशन को एंड प्रमोटिंग ग्रोथ, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी मींस कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड प्रमोटिंग ग्रोथ, और ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्राडिक्ट्री हैं। कॉन्ट्राडिक्ट्री कैसे हैं, अगर आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको सप्लाई ऑफ मनी कम करनी पड़ेगी, अगर आपको ग्रोथ को प्रमोट करना है तो आपको सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आरबीआई के लिए डिफिकल्ट हो जाता है इन दो कॉन्ट्राडिक्टरी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, फर्स्ट इज टू रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई मतलब बोथ मनी जो सर्कुलेशन में है वो भी, और जो क्रेडिट क्रिएट बैंक्स कर रहे हैं वो भी। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम की जाती है रेगुलेट करने के लिए मनी सप्लाई को इकोनॉमी में बाय क्रेडिट एक्सपेंशन और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर जो हैं मतलब उसके जो वेरियस टूल्स हैं आप उसे यूज करते हो ये डिसाइड करने के लिए कि जो क्रेडिट है इकोनॉमी में आपको उसे एक्सपैंड करना है मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है, या आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है मतलब जो मनी सप्लाई है उसे कम करना है। तो बाय क्रेडिट एक्सपेंशन मनी सप्लाई कैन बी एक्सपेंडेड और बाय क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन मनी सप्लाई कैन बी डिक्रीज्ड। तो मॉनेटरी पॉलिसी का एम है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट मनी सप्लाई को अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इकोनॉमी करना। देन नेक्स्ट है हमारा टू अटेन प्राइस स्टेबिलिटी। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिया में वो है प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्री में मेंटेन रखना। इसका मतलब है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। प्राइस लेवल इफेक्ट करता है मनी सप्लाई को और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को ताकि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। नेक्स्ट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉनेटरी पॉलिसी अवेलेबल करवाती है नेसेसरी सप्लाई ऑफ मनी और क्रेडिट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कंट्री की, और यही इसका ऑब्जेक्टिव है। जो सेक्टर्स सिग्निफिकेंट है इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उन्हें एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करवाना ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। देन टू प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। रेगुलेट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिपॉजिट्स के ऊपर जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो प्रमोट करती है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को। ज़्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करके डिपॉजिट्स पर मॉनेटरी पॉलिसी इनकरेज करती है लोगों को कि वो सेव करें और इन्वेस्ट करें। देन टू कंट्रोल बिजनेस साइकिल, बूम और डिप्रेशन जो मेन फेसेस है बिजनेस साइकिल के उसको मॉनेटरी पॉलिसी चेक करती है। इन दी पीरियड ऑफ बूम क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि जो मनी सप्लाई है वो कम हो सके और इन्फ्लेशन को चेक किया जा सके। एंड इन दी पीरियड ऑफ डिप्रेशन क्रेडिट को एक्सपैंड करती है ताकि मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जा सके और जो एग्रीगेट डिमांड है उसे प्रमोट किया जा सके इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज टू अचीव स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रूपी। जो आरबीआई है उसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि स्टेबिलिटी रखे जो एक्सटर्नल वैल्यू है कंट्री की करेंसी की, दैट इज रूपी, उसका मतलब कि जो एक्सचेंज रेट है इंडियन रूपी का इन टर्म्स ऑफ मेजर फॉरेन करेंसी, मतलब कि अगर एक डॉलर है तो उसके कितने इक्विवेलेंट रूपीज है, उसको जो है स्टेबल रखना। अगर जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लक्चुएट ज़्यादा करता है तो आरबीआई एप्रोप्रिएट एक्शन लेती है, परचेज करती है सेल करती है फॉरेन करेंसी का ताकि रेगुलेट कर सके डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन करेंसी की और मेंटेन कर सके स्टेबिलिटी इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी।
द नेक्स्ट इज टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड. मॉनेटरी अथॉरिटीज जो हैं वो ट्राई करती हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें बैलेंस रहे. वो किसके साथ बैलेंस रहे? एग्रीगेट सप्लाई के साथ जो गुड्स एंड सर्विसेज की है. अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो क्रेडिट एक्सपैंड होगा, इंटरेस्ट रेट कम होंगे और कम इंटरेस्ट रेट की वजह से जो लोग हैं वो लोन लेंगे बाय करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज और जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा. देन टू इंश्योर मोर क्रेडिट फॉर प्रायोरिटी सेक्टर. मॉनेटरी पॉलिसी का एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो प्रायोरिटी सेक्टर है उनको प्रोवाइड करवाए जाए. और वो कैसे प्रोवाइड करवाए जाए? इंटरेस्ट रेट को लोअर करके. प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड होता है एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एसेट्रा. देन टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट, कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करवा के प्रोडक्टिव सेक्टर्स को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स को स्पेशल लोन स्कीम्स दे के अनएम्प्लॉयड यूथ को मॉनेटरी पॉलिसी प्रमोट करती है एम्प्लॉयमेंट. देन टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर. मॉनेटरी पॉलिसी का एम रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए वो कंसेशनल फंड्स प्रोवाइड करवाती है थ्रू बैंक्स. नेक्स्ट इज टू रेगुलेट एंड एक्सपैंड बैंकिंग. आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को इकोनॉमी में और थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई इशू करता है डायरेक्टर्स डिफरेंट बैंक्स को कि वो रूरल ब्रांचेस सेटअप करें, अपनी एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रमोट करें. और इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को सेटअप गवर्नमेंट करती है. और जो बैंकिंग है वो पूरी कंट्री में डिफरेंट पार्ट्स में एक्सपैंड करना. नेक्स्ट इज योर टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स एंड सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट्स. कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करवा के एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन यूनिट्स को जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इनकरेज करती है उन इंडस्ट्रीज को जो हेल्प करती हैं इन इम्प्रूविंग द पोजिशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. देन टू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशन. मॉनेटरी पॉलिसी का एम है कि कॉन्टिन्यूसली वो मॉनिटर करे ग्लोबल और डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंडीशन को ताकि टाइमली पॉलिसी एडजस्टमेंट्स को किया जा सके और उससे हेल्प होगी कि जो एडवर्स इफेक्ट है ग्लोबल और डोमेस्टिक फाइनेंशियल क्राइसिस का उसको मिनिमाइज किया जा सके. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेक्निक्स मेजर्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया. इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.